हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको एक अनोखी चीज़ दिखाते हैं। देखिए दादी क्या कर रही हैं। देख अब लेकर आ गया था फूल। आप जानते हैं ये कौन सा फल है? मौगा। हाँ, ये दादी जी बता रही हैं, ये महुआ है। ये दादी जी कौन सा फल है? ये कौन सा फल है? ये मौगा। मौगा है ये। चाहिए, इसका पेड़ कितना बड़ा होता है? पेड़ होते ही खूब बड़ा होता है इसका पेड़। खूब बड़ा होता है, नीम से बड़ा। अच्छा, नीम से बड़ा होता है। दादी जी बोल रहे हैं कि इसका जो, हाँ, ये 15 दिन तक चूरता है ये। मतलब पेड़ से जब गिरता है ये तो 15 दिन तक। होते ही से रोज भर जाते, ऐसी तरह ऐसे हो, हाँ ऐसे सटक जाते तरह। हाँ, देखिए कितनी अनोखी चीज़ है। इसको दादी जी कूट रही हैं। दादी जी, इसको कूटने से क्या होता है? चबाए जाते, भूंजो। ये भूंज के चबाए जाते हैं चना के साथ मिला के। हाँ हाँ, ये चना के साथ मिला के, चना के साथ, चाहे तिली के साथ, चाहे अरसी के साथ। हाँ, ये के साथ दादी जी, इनसे क्या ये लाभदायक होते हैं? क्या लाभदायक होते हैं ये? हाँ हाँ दोस्त, ये बहुत ही लाभदायक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। अब जो हाथ पर चढ़ाए हैं बाटत को है तो जो हाँ हाथ ठीक हो जाए। हाँ, ये हाथ ठीक हो जाएगा दादी जी का। की ये दादी का, की दारू। हाँ, ये इससे दारू भी बनती है। वैसे ये काम तो नहीं करते हम लोग, लेकिन ये मटका में भर के धर दो दाल के। हाँ दोस्तों, और फिर चुराओ इन्हें। दोस्तों इसको मटके में भर के रख देते हैं, उसके अंदर डाब के तो महीने भर बाद चुराते हैं तो इसमें से दारू निकलती है। इस तरह से दारू ही बनाई जाती है। जीरो है, किसी भी तरह की चोट हो, कोई भी दर्द हो, उसमें इसको पीस के अगर बांध लेते हैं तो सही हो जाता है। जैसे ये दादी का ये देखो हाथ है, तो अब इनमें ये बांध के इसको बांट के चढ़ाएंगे इसको। ये देखिए भाभी, ये दादी का बहुत ही शानदार बगीचा है ये। ये देखिए लौकी, नीम खड़ा हुआ है ये। घर में कपास रखता है, देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।